हमें फेसबुक पर भेजा है कुलवंत सिंह जी का सवाल है। ये दिल्ली से हैं ये, और इन्होंने सवाल भेजा है टाटा कंज्यूमर पर। 5,300 शेयर इन्होंने 153 पर लिया हुआ था, काफ़ी पहले की खरीद है इनकी और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी इनको हो रहा है इस वक्त। 786 पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। अगर चार्ट्स पर देखें ये लेवल तो 2015-16 के आसपास की मुझे लग रहा है इनकी होल्डिंग होगी। शानदार गेन, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली हुई थी इन्होंने, समय दिया इस स्टॉक को, काफ़ी उतार चढ़ाव भी इन्होंने आई एम श्योर देखे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर बिग पिक्चर फायदे में ही है टाटा कंज्यूमर। तो पहले जो कुलवंत सिंह जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इतने शानदार गेन्स के लिए। जब ऐसे दर्शक का सवाल आता है तो हम भी थोड़ी देर सोचते हैं कि इनको क्या सजेस्ट करें, और इनसे बात भी नहीं हो पा रही है हमारी, तो व्यू भी इनका क्लियर नहीं है कि अब ये क्या करना चाह रहे हैं स्टॉक में। बट सुमित, टाटा कंज्यूमर देखिए फंडामेंटल तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। चार्ट्स पर लेवल्स बताइए, इस वक्त 786 के पास कारोबार कर रहा है, अभी भी बने रहे स्टॉक में? जी बिल्कुल, पहले तो देखिए काफी कम रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के ऊपर एक बिलीव रख के उसको होल्ड करते हैं, तो बिल्कुल ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो बिल्कुल मैं बोलूंगा अभी भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। देखिए टेक्निकली अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो है करीबन 800 का, तो यहाँ पे 800 के ऊपर अगर वीकली ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल स्टॉक अपना न्यू हाई की तरफ जाएगा। अगर आप देखें तो फ्लैग एंड पोल वीकली में भी बनने के चांसेस है और ब्रेकआउट आने के, तो अगर यहाँ पे और होल्डिंग इनका पीरियड है तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 787 करंट मार्केट प्राइस है, वीकली क्लोजिंग अबोव द 800, ये स्टॉक 1,000 तक जा सकता है, तो बिल्कुल आप इसे होल्ड कीजिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह किसी को रखना भी है तो बिलो द लेवल्स ऑफ 740 ये आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अदरवाइज आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस चाहे तो लगा लीजिए, अदरवाइज आप बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप होल्ड करके रख सकते हैं अभी भी। अगला सवाल हमें फेसबुक पर आया है आगरा से, श्याम सुंदर जी का सवाल है, और इन्होंने वरुण बेवरेजेस पर अपना सवाल पूछा हुआ है। 100 शेयर 750 पर लिया, यहाँ पर भी इनको मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा है स्टॉक में। 750 पर लिया था और अब देखिए स्टॉक धीरे धीरे करके 1,500 के ऊपर अब आ चुका है, शानदार गेन्स हैं। और सुबह हमारी स्टॉक के बारे में अगर थोड़ी और जानकारी दे आपको, तो सुबह हमारी समीर अरोड़ा जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा था कि वरुण बेवरेजेस को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, 2019 से होल्ड कर रहे हैं, और काफ़ी सारी खबरें हुई, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, इसके चलते वरुण बेवरेजेस में शानदार गेन देखने को मिले। तो FMCG स्पेस में अगर बात करें तो वरुण बेवरेजेस उन्हें भी अच्छा लग रहा था, वो बाइट हम आपको आगे सुनवाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर देखिए 80,000 के आसपास का मुनाफा भी हो रहा है इस स्टॉक में। आपका क्या व्यू बन रहा है रवि, वरुण बेवरेजेस पर अभी भी होल्ड करें स्टॉक को? देखिए पूजा जी, 3 महीने में 23%, 1 साल में 121%, 3 साल में देखें तो 450%, और अगर 5 साल से किसी ने होल्ड कर रखा है तो 650% का रिटर्न देने वाला ये एक दिग्गज स्टॉक है। और अभी भी FMCG काउंटर और इन सभी पूरे सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव है, 18% से ऊपर की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और अब नंबर्स की बात कर ले तो वरुण बेवरेजेस काफी स्ट्रांग नंबर्स पर यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, एक टारगेट जरूर सजेस्ट करूंगा, 1800 के टारगेट तक ये जा सकता है। अब इनकी बात कर लेते हैं। देखिए मैं हमेशा मार्केट में ये कहता हूँ कि पहला कि जब भी आपका 100% रिटर्न मिल रहा हो, यानी कि आपका पैसा डबल हो रहा हो, तो हमेशा जो कोर इन्वेस्टमेंट मनी है उसको बाहर निकाल के दूसरे स्टॉक की तरफ शिफ्टिंग की जा सकती है, और अगर जरूरत है पैसे की तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी आपको मैंने बता दी है, 1800 का टारगेट तक जा सकता है, लेकिन मूलधन खासतौर से जो बेस मनी आपने लगाया था उसको बाहर निकाल लीजिए, दूसरे स्टॉक्स में भी उनको पुट किया जा सकता है। ओके, तो वरुण बेवरेजेस 1800 के लेवल के टारगेट यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं और होल्ड रखिए वरुण बेवरेजेस को। ये राय रवि की तरफ से इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ी देर में हमें FMCG कंपनियों पर सवाल भी आए, और ये दर्शा रहा है कि अगर आपकी क्वालिटी कंपनियों में होल्डिंग है तो फिर यहाँ पर आपको फ़ायदा भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहते हैं तो। और FMCG कंपनियों ने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा कर दिया निवेशकों को, टाटा कंज्यूमर्स अभी एक दर्शक का सवाल आया, वरुण बेवरेजेस, ये सभी कंपनियाँ हैं, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं।